काम यार, आज आज जाने दे राम, उसने भांग पी रखी है यार। एग्जैक्टली ब्रो, अभी भी हम लोग थोड़े से नशे में है, वी कांट थिंक स्ट्रेट। उसका भी हाल यही होगा, डरी हुई होगी यार। सोच क्या, मतलब अंदर ही अंदर घुट रही होगी, इतने सारे सवाल उसके अंदर चल रहे होंगे, जवाब मांगना चाह रही होगी लेकिन मांगेगी नहीं क्योंकि वो प्रिया है। गलती मेरी है यार, वो जो सजा देगी मैं भुगतूंगा, वो जो कहेगी मैं करूंगा, सिर्फ मुझे वो छोड़ के जाने के लिए नहीं जाएगी यार। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है वो राम, हो ही नहीं सकता। यार अदी यार, प्रिया वेदिका की तरह थोड़ी ना है जो किसी अमीर इंसान के लिए अपने राम को छोड़ के चले जाएगी। विक, प्रिया के डैड उसकी मॉम को छोड़ के गए थे, ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे हाँ, लेकिन अपना राम भी तो देखना कितना सच्चा और गहरा प्यार करता है प्रिया से, और प्रिया को भी समझना पड़ेगा यार कि राम अभी वेदिका से प्यार नहीं करता। तो राम को ये सब बातें प्रिया को बोलनी चाहिए ना, उसने प्रिया को अभी तक कुछ नहीं बोला है। और ये सब चीजें छोड़, चल हम लोग वहां पे देखते जाके क्या हाल है, और किसी को याद तो नहीं है नीरज ने क्या क्या बोला। कहाँ हो तुम प्रिया, ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों सता रही हो? प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया यहाँ कोई नहीं है, प्रिया यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है। अपने घर जाइए और घर जाके चैन से सो जाइए, यहाँ कोई ब्राउनी केक कुछ नहीं मिलने वाला। चैन तो तभी मिलेगा जब मुझे केक मिलेगा ना, केक अंदर नहीं जाएगा तो चैन नहीं आएगा। सुन रहे हो तुम? केक केक, अरे प्रिया मैंने कहा ना यहाँ कौन नहीं है, तो मुझे क्यों ढूंढा? मैं तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया, मैं तो कपकेक की मैक सूंघी और उसे देखते देखते मतलब सुनते सुनते सूंघते सूंघते चला आया। इसकी खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। चलो ना बाहर टेबल पे बैठ के खाते और बात करते। एक शर्त पे, प्रॉमिस कीजिए आप मेरी बात मानेंगे। मानूंगा, बस गेट आउट मत कहना। प्रॉमिस? हाँ चलो। आप मुझे कुछ भी बोलने के लिए या कहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ नहीं। आई प्रॉमिस। पक्का? पक्का प्रिया। ठीक है फिर चलते। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ये खाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे रख देता हूँ। आराम से, आराम से, आराम से प्रिया, आराम से। इधर इधर इधर। यहाँ? मेरे पास एक आइडिया है। नो, मैंने कहा था ना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे भी नहीं सुनना है, क्योंकि जब सुनता हूं तब सिर्फ ताने ही आता है सामने से। वैसे मुझे भूख लग रही है काफी, कुछ खाने का दिल कर रहा है। क्या? ब्राउनीज? फ्री में नहीं मिलेगा। सुनो ना, मैं इसके पैसे दे दूंगा बाद में। एक काम करें प्रिया, वो एक कॉन्टेस्ट करते ना 20 मिनट में कौन कितना खा सकता है, कितना फास्ट। हाँ एक्चुअली छोड़ो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, खामखा तुम हार जाओगी, फिर बोलोगी कि लड़कियों का इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है लड़कों के साथ, तो रोगी उसके बाद तो। क्या? हाँ हाँ रोऊंगी। आइए आइए मैदान में देखते हैं कौन रोता है। चलिए शुरू कीजिए। रेडी 1 2 3 गो। जल्दी आइए मिस्टर कपूर। मेरे दो हो गए हैं मिस्टर कपूर। मेरे भी एक हो गया। मैं कर रहा हूं। टाइम अप। मैंने खाए 1 2 3 4 मैंने 4 खाए और आपने कितने खाए? लूजर। मैं जीत गई, आई एम द विनर। तुम जीत गई। मेरी ट्रॉफी कहाँ है? तुम्हारी ट्रॉफी? कहाँ मेरी ट्रॉफी? ट्रॉफी ये 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 तुम्हारी विनर की ट्रॉफी है ये। यस। और इसको वो खोलना है क्या? नहीं, इसे पीना नहीं है, इसे बस ना वो
स्टेज पे खड़े होके तुम ये स्टेज तुम्हारा पोडियम हो सकता है, इस पे खड़े होके तुम एक अवार्ड विनिंग स्पीच दे सकती हो। प्रिया भाभी, ये राम सर ने ऑर्डर किया था। किसके लिए? उनके लिए होगा, क्योंकि वो केमिस्ट ने बोला कि राम सर ने खुद फोन किया था। अच्छा, दो। क्या प्रोटेक्शन? एक मिनट, ये पक्का मिस्टर कपूर ने मंगवाया है? जी भाभी, क्यों, कुछ गलत आ गया क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या मिस्टर कपूर का? अरे पहले कुछ भी करते हो और फिर ऐसे मजाक करते हो, उन्होंने लगता है सब कुछ फिक्स हो जाएगा। कैसे सोच लेते हैं ये सब? मुझे लगता है सब अमीर ऐसे ही सोचते हैं, उन सबको लगता है कि इससे सब कुछ फिक्स हो जाता है। पहले अपनी बीवी से झूठ बोलो, उसे चीट करो और फिर इसे भद्दे मजाक करो, हद है। अभी पक्का बाहर आएंगे हंसते मुस्कुराते चहकते हुए और उन्हें लगेगा कि मैं उनसे सवाल नहीं पूछूंगी, बच जाएंगे। How are you feeling, Priya? Arun कुछ लेके आया था, मैंने मंगाया था। I know you may not be in the mood, but तुम relax हो जाओगे, you will feel good. अच्छा होगा? Sorry बोलिए, वरना आपके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I know तुम अपनी अपनी जिंदगी अपने स्टाइल से जीती हो और तुम मैं जो करना चाहूँ वो शायद तुम ना करना चाहो, पर आज लड़ने की जरूरत नहीं, किसी और दिन हम लड़ लेंगे इस बात को लेकर। मैंने एक्चुअली बहुतों से राय भी ली, मैंने ट्विंकल को भी फोन किया था, उन सबको लगा कि तुम्हें इस वक्त इसकी सख्त जरूरत है, यू नीड इट। सो या इसलिए प्लीज। इसलिए प्लीज क्या? आई एम सो सॉरी, मुझे वो एक्चुअली रोशनी बंद कर देनी चाहिए थी, सबके रोशनी में शायद कंफर्टेबल। या आई फील इट, आई फील इट, वन सेकंड। बत्ती तो आपके दिमाग की बुझ गई है, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज ये सब करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है आप में? ऊपर से बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एकदम बेस्ट हो गया, मतलब लाइट भी डिम हो गई है, अब तुम एकदम कंफर्टेबल फील करोगी, राइट? एब्सोल्युटली, मुझे मुझे दो ना। ओह गॉड, ये इसको यूज करना चाहते हैं? आपको ये अभी चाहिए? टाइम क्यों वेस्ट करना है? हाँ, कम। मिस्टर कपूर, आप इस चीज को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? मजाक लग रहा है आपको? एक सेकंड प्रिया, मुझे मजाक नहीं लग रहा है, मुझे पता था तुम आसानी से मानोगी नहीं, इसलिए मैंने सारा दी से बात कर ली। तुम्हें भी करनी चाहिए, मैंने यही कहा कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मैं जो कहता हूँ ना हमेशा सही होता है, जो मैं करता हूँ ना वो और भी सही होता है। Don't tell me, आपने सारा दी से इस बारे में बात की? हाँ, तो मैं डिस्टर्ब था ना, आई नीडेड टू टॉक टू यू प्रिया। उन्होंने यही कहा कि प्रिया से तभी बात करो जब रिलैक्स हो, एकदम काम हो और एकदम फील में हो, तो ये सही है। पर बेशरम है आप, बिल्कुल शेमलेस है। बेशरम इसमें हर्ज क्या है? मर्दों के लिए ना हर चीज की दवा यही होती है। प्रॉब्लम क्या है? यूज कीजिए, जो करना कीजिए। इसमें हर्ज क्या है यार, तो नॉर्मल है ना, करना चाहिए ना, ये तुम यूज करो ना, इसे क्या कर रही हो तुम? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।